अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अयाज और आप देख रहे हैं हिप हॉप रिएक्शन चैनल। तो आज मैं पहली बार बिग बॉस पर रिएक्शन करने जा रहा हूं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है बिग बॉस में होता है क्या है, किस तरह का होता है। मुझे तो अक्सर मेरी नज़रों से यानी कि गुजरा है यूट्यूब में, सर्च टर्म्स में, जब भी मेरे कोई सजेशन में भी आ जाता है, बट मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। हल्का फुल्का मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने सोचा आज मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ, पहली बार देखता हूँ कैसा है। मैंने इसको आज से पहले लिटरली कभी नहीं देखा बिग बॉस को। आप लोग ही मुझे गाइड करेंगे कि इसमें होता है क्या है, क्या किस तरह से कौन जीतता है, क्या चीज़ें चलती हैं इसके अंदर। आई हैव नो आइडिया, तो मैं आपके साथ देख रहा हूँ, आप लोग मुझे ही गाइड करेंगे, मुझे नहीं पता। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि कैसा होगा बिग बॉस। तो नाउ स्टार्ट। प्रियंका, अंकित, अंकुर मैं इसके से छेड़ती हूँ बिकॉज ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जैसे मैं इसको छेड़ती हूँ ऐसे इरिटेट होता है। मैं तेरी अच्छी दोस्त नहीं थी, थी। सिर्फ बहुत अलग रिश्ता है हमारा, दोनों बात भी नहीं करेंगे फिर भी हम एक दूसरे की केयर करते। रिलेशनशिप सर ऐसी बातें जब होती है ना तो उससे घबरा जाता है। आई थिंक केमिस्ट्री टेस्ट हो चुका है, बायोलॉजी टेस्ट नहीं। इसको बोले ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। चपाती देगा, चपाती। अंकित रात को सोता है बिग बॉस आप जितना टॉर्चर कर रहे हो उतने पैसे नहीं दे रहे। शादी यही तो करवाएगा। यू गाइस आर कपल, दोस्त, आपको मोह माया, बेस्ट फ्रेंड्स। एक बार लड़ाई हो गई ना फिर तुम्हें पता चलेगा। क्यों? तो हम लड़ते ना ऐसे बहुत गंदा लड़ते हैं। तो व्हाट इज द स्टेटस? वी बोथ आर वेरी क्लियर, उसको फ्यूचर चाहिए, मुझे तो चाहिए ही नहीं। किसी को एडवाइस देने का बहुत मन करे तो किसको देना चाहेंगे आप? सिर्फ अंकित को। ऐसे अंकित रोने का मन करे। तुझे जितना सही लग रहा है तो उतना रख अपने पास, बाकी निकाल दे। एक बार अंकित ने दो साल में चेंज कर रखा है। दुनिया में अच्छा होना बुरा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जगत माता हूँ, अगर आपको बुरा लगा, बुरा लगा। मुझे बुरा नहीं लगा। बोलता है पिच हाय, अपनी पिच देखना, अपनी टोन देखना। टेल यू इज कि तेरी टोनालिटी। भाई मैं क्या करूँ, मेरा टोन यही है। मैं दोस्ती निभाऊंगी ब्रो, मैं लड़ाई करके भी आपकी दोस्त रहूंगी। कल रात से अब बहुत सारे तमाशे घर में हो चुके, तो बिग बॉस ने आपका नाम बेसिकली मेंशन हुआ था। बिग बॉस ने आपको ये बोला कि उसमें काफी लोगों ने इंटरफेयर किया, पूरी भीड़ थी। प्रियंका तो बहुत बाद में आई थी। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आर यू ओके? अंकित कभी हंसता ही नहीं। वंस एंड फॉर ऑल ही एंड प्रियंका आर नॉट अ कपल। प्रियंका हर मैटर में अपनी टांग अड़ाती है, अकॉर्डिंग टू द अदर गर्ल्स इसे कुछ नहीं आता। चीजें मुझे लगी ऐसी कि थोड़ा सा पर्सनल था। फैक्ट्स एक फनी वे में रखना, ये सारा सामान हमने बांटा ना। तुमको बोले थे कबाड़ में। तू एक काम कर, तू जा घर मत कर। बेटा उन्होंने उठा के रखे, उठा बोल भाई, मेरे को अच्छे से बोल रहा है वो बेटा। वैसे ही बोल रहा है उठाने के लिए। मैं लड़के को बुलाऊंगा, लड़की को नहीं बुलाऊंगा। नहीं ये गलत, लड़का लड़की की कोई बात नहीं, सब यहाँ पर इक्वली है और सब इक्वली काम कर। दिल दीवाना। सॉरी ट्रॉफी के लिए अपना ईमान नहीं। बहुत
तू है भेड़िया, भेड़ियों के अंदर भी होता है ना दिल, वो दिल दिल दिखा तू मुझे। बस उंगली दिखा रही है, उंगली नीचे, उंगली नीचे। लात पड़ेगी ना उधर उड़ता हुआ जाएगा, ये लात पड़ेगी मुझे, ये लात पड़ेगी, ये लात पड़ेगी। क्योंकि मैं हमेशा से करती हूँ। मेरा तो नहीं बनेगा। खाले खाले जल्दी खा। ये दोनों खाना साथ में लेते हैं, बहुत एक्स्ट्रा लेते हैं, भर भर के, भर भर के। मुझे तो सिर्फ एक एक शादी ब्याह वाला माहौल मुझे इसके अंदर लग रहा है। मुझे कोई खास कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई झप्पियाँ मार रहा है, कोई लव वाला सीन चल रहा है इसके अंदर। और ये जो प्रिया और अंकित है, इनका ऐसा लग रहा है कि कपल वाला सीन है, कोई लव स्टोरी वाला टाइप सीन है। बाकी एमसी स्टैन को देख के मैं शॉक हुआ यार, एमसी स्टैन भी है इसके अंदर। वैसे तो मैंने खैर न्यूज़ में सुना था एमसी स्टैन के बारे में कि वो बिग बॉस में आ रहा है। अच्छा, मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ना, तो अभी मेरे खास कुछ समझ नहीं आया इसके अंदर। बस ये कि थोड़ा बहुत समझ में आया कि एक जैसे एक आप साथ में एक ग्रुप होता है तो किसी न किसी के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि यार ये काम ये क्यों कर रहा है, या वो काम ये क्यों कर रहा है, ये गलत कर रहा है तो ये सही कर रहा है। और इसी दौरान किसी न किसी का वो पैचअप भी हो जाता है, मतलब कि सादे अल्फाज में कहूँ तो लव शव वाला सीन हो जाता है। बट ओवरऑल इसका आप लोग ही मुझे बताएंगे कि इसमें क्या होता है, क्योंकि मुझे तो अभी प्यार भी नज़र आया, मोहब्बत भी नज़र आई, दोस्ती भी नज़र आई, लड़ाई झगड़ा भी नज़र आया, एक दूसरे की बुराइयां भी नज़र आई। तो इसमें विन कैसे होते हैं ये मुझे नो आइडिया, किस तरह विन करते हैं इसके अंदर, कौन जीतता है और क्या सीन है इसका, और इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती हैं, क्या करना है, क्या ये पहले से ही सब यानी कि तय होता है, या ये खुद ब खुद यानी कि जो यानी कि अंदर एक नॉर्मल इंसान में होता है ना, जैसे अब आप वर्क कर रहे हैं, आप काम की जगह पर हैं, जॉब की जगह पर, वहाँ भी कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी नहीं होती, कभी कभी आपका जो अच्छा कुलीग है उससे भी आपकी बात ख़राब हो जाती है, कभी आपको मैनेजर अच्छा नहीं लगता, कभी आपको अपना कुलीग अच्छा नहीं लगता, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी ऐसे ही कुछ सीन नज़र आ रहा है मुझे, जो मुझे अब तक समझ में आया। बाकी तो आप लोग ही मुझे सही बताएंगे, क्योंकि मुझे नो आइडिया इसके अंदर कैसे विन करते हैं और क्या है इसके अंदर, इसकी स्टोरी क्या है। तो भाई मुझे तो जितना समझ में आया मैंने आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर कर दिए, अब आप लोग ही मुझे बताएंगे इसके अंदर क्या होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।